ऑल राइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वीडियो बॉयज़ के लिए है जो सोचते हैं कि यार, मतलब होता ना कि यार अगर लड़का शादी का प्रॉमिस करके तोड़ दे तो लड़के पर रेप केस हो जाता है। अगर मान लो कोई लड़की शादी का प्रॉमिस करके शादी नहीं कर रही है अपनी फैमिली के प्रेशर में आके या कुछ भी, ठीक है, कि लड़के को इतना सीरियस कर दिया और वो पागल हो गया, तो ऐसे में जो लड़का है उसके लिए क्या रेमेडीज़ है? तो देखो, कड़वा सच है, सुन लो, उसके लिए कोई रेमेडीज़ नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे कि यार हम उसको डिफॉर्मेशन का नोटिस भिजवा दो, कुछ भिजवा दे, कोई लीगल नोटिस भिजवा दे या किसी वकील के थ्रू, मतलब कुछ भी ऐसे जुगाड़ लगा के कुछ भिजवा दे। तो आपको एक बात बता दूँ, फिर भाई ऐसा कर भी मत देना। क्योंकि पता है क्या है, जो तुम्हारा वो डिफॉर्मेशन का केस होगा ना, सिविल केस, और उसका रेप केस होगा वो ऊपर होगा। आपकी जो ये है ना, ये यहीं रह जाएगी। जब रेप केस होगा ना, जब कस्टडी में डाला जाएगा, जब डंडे लगेंगे और जो मतलब ठुकाई होगी अलग से, इंसल्ट होगी अलग से, वो ऊपर है। सिविल केस हमेशा ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा वो ना समझो कि आप उसको डिफॉर्मेशन करके पता नहीं क्या कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही कोई प्रोविज़न, ठीक है, आप सोचते हो ना क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह, ट्रस्ट तोड़ा, ये तोड़ा, भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तुम्हारे बीच में, ठीक है, कि भाई तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 2 साल बाद तुम शादी कर लोगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है जो आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है, ये लड़के के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप कहोगे लड़कियों के लिए तो है, भाई उनके साथ फिजिकल रिलेशन बने हैं, ठीक है, उनकी इज्जत गई है, ये है। अब आप कहोगे हमारी भी तो पुरुष प्रधान सोसाइटी है, पुरुष प्रधान बनो फिर, पुरुष प्रधान, तो तुम प्रधान हो, हम प्रधान हैं, हम पुरुष प्रधान हैं, तो हमारे लिए कोई रेमेडी नहीं है, क्योंकि हमें ऊपर, हम मतलब मर्द है ना, तो हमें कोई, हम विक्टिम नहीं है। तो मॉरल ऑफ दिस वीडियो ये है कि अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है या वो शादी नहीं कर रही है, लीव इट, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई लीगल नोटिस भिजवा दें या फिर उसको डराने के लिए, भाई बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी, आपको रेप केस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इंडिया में क्या है, मतलब बदले की भावना बहुत होती है, आपने एक केस किया ना, बरस पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब गलतियाँ ना करो, और ऐसा कोई प्रोविज़न भी नहीं है। अगर कोई आपको एडवोकेट इन्फ्लुएंस करता है ना, ये भिजवा दूंगा, इतने पैसे दे दे, मेरे भाई चक्कर में भी मत पड़ना, कुछ नहीं है, ठीक है। और अब आप कहोगे लिव इन रिलेशनशिप का हो ये, तो देखो यार, लिव इन रिलेशनशिप के लिए ना, अगर कोई 18 से अबव है, एक साथ रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, एक रूम में जाके जो भी कर रहे हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस चीज़ के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, अब मेरे से शादी नहीं कर रही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ना ही कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर लॉ है हमारे इंडिया में, ठीक है, ना ही कोई पर्टिकुलर जजमेंट है कि भाई अगर लड़की ने शादी करने से मना किया तो उसको पनिश हो जाएगा। पर्टिकुलर बता रहा हूँ, वैसे कोई एक दो आ गई, ठीक है, पर्टिकुलर लैंडमार्क जजमेंट्स होती है ना, तो वो बिल्कुल नहीं है। तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है? तो भैया देखो, लीव करो, ठीक है, आगे बढ़ो, आपको तो नई चीज़ मिलेगी ना, मतलब नया, तो नई चीज़ इन्जॉय करो, तो पुरानी चीज़ों को छोड़ो। तो इफ़ यू कांट चेंज द गर्ल, चेंज द गर्ल, ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। चिल मैन, चिल।